नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। ब्लड डोनेशन कैंप जो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से लगाया जा रहा है, इसकी लाइव रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं। डोनर से बात करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? राजप्रीत। आज आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, डर की कोई बात ही नहीं। हमारे गुरुजी ने, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने हमारे को शिक्षा दी है कि दूसरों का भला करना। तो आज मैं 43rd टाइम कर रही हूँ ब्लड डोनेट, तो मुझे खुशी होती है कि, और बाकी सतगुरु की रहमत की बात होती है, पिता ही करवा सकते हैं। तो किस तरह से आपके अंदर ये सोच आई दूसरों की हेल्प करने की? वो उसका नाम ही जे अंदर पैदा कर सकता है, उसके नाम से ही एनर्जी मिलती है हमारे को ऐसे काम करने की। बाकी उनकी प्रेरणा है, उनकी प्रेरणा से ही हम जे काम करते हैं। जैसे जैसे लोगों को घर बना के देना, ब्लड डोनेट करना, जैसे बहुत सारे हैं वॉलंटियर जो ग्रीनेस के हैं, वो हर 3 महीने के बाद है जो ब्लड डोनेट करते हैं। मैं भी हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करती ही हूँ। अगर 3 महीने से ऊपर हो जाते हैं ना, तो हमारे को ऐसे हो जाता है कि हमने डोनेट करना है, ब्लड डोनेट करना, घर बना के देना। जैसे आज जो मतलब गरीब प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, उनको राशन दिया गया है, उनको उनकी डाइट के अकॉर्डिंग आज दिया गया है। तो बहुत सारे काम हैं जो पिताई की रहमत से संगत बहुत पहले से भी ज़्यादा करती है, पिताई की प्रेरणा से ही। आप एक लड़की हो तो वीकनेस जैसा आपको फील नहीं होता ब्लड डोनेशन के बाद? नहीं, कभी भी नहीं फील हुआ, ऐसी कोई होती नहीं। बाकी पिताई ने बता रखा है कि मतलब इस जो मतलब आप ब्लड डोनेट करते हो, इससे वीकनेस नहीं होती। जब अपन किसी दूसरे का भला करते हैं, उसके अपना ब्लड उसके काम आता है, तो उसकी दुआएं अपने को लगती हैं। बाकी कोई जे एक साइंटिफिक रीज़न से देखिए तो इससे वीकनेस नहीं आती। तो मतलब एक हफ्ते में इसका मतलब ठीक हो जाता है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे को कभी आज तक मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि किसी को वीकनेस आई हो ब्लड डोनेट करके। जिन्होंने आपको मोटिवेट किया है गुरुजी को, काफ़ी जिंदगियों को बचा रहे हैं ब्लड डोनेशन करके, क्या आपको लगता है ऐसे संत की समाज को ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे संत की समाज को ज़रूरत है। क्योंकि अगर जो समाज को सुधार रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया है, वेश्यावृत्ति से लिप्त लड़कियों को बाहर निकाला है, अगर इस समाज को अगर सेध दे सकते हैं, तो वही सेंट दे सकते हैं। अदरवाइज़ तो आप देख ही रहे हैं कितना बुरा हाल हो रहा है, कितने लोग नशों में, जैसे आप कहते हैं कि स्मैक है, इतने छोटे छोटे जो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो 10th क्लास में हैं या 10th से नीचे हैं, वो भी इस नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। तो आज अगर वो गुरुजी बाहर हों, सत्संग करें, लोगों को नाम दें, लोगों का नशा छुड़वाएँ, तो कि अपना जो देश है, समाज है, वो सुधर सकता है। सरकार से क्या मांग करोगे गुरुजी के लिए? सरकार से तो यही करेंगे कि हमारे को सतगुरु ने यही सिखाया है कि कानून पे भरोसा रखना है ना, कानून पिता ही सब कुछ सही करेंगे। सरकार से यही गुजारिश है कि आप गुरुजी के, इतने गुरुजी ने मानवता भलाई के कार्य किए हैं, तो उनको देखो आप, सही सच और झूठ की पहचान करो और गुरुजी को पहचानो। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आप जिन्हें गुरु आपने गुरुजी को मतलब उनके श्रद्धालुओं से या एक समाज से दूर कराया है, वो मतलब अच्छी बात नहीं है। थैंक यू सो मच। ये थे ब्लड डोनर, जिनका कहना है कि जितना भी इन्होंने जितनी बार भी, आज से 30 से 40 बार जो ब्लड डोनेशन किया है, उनकी प्रेरणा से डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसे हैं। और जो समाज के अंदर आज गुरुजी नहीं हैं, जो उनके ना रहने से जो समाज को घाटा पड़ रहा है, उसके लिए समाज में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की वापस मांग कर रहे हैं, इनका मानना है। और हमारा एक नज़रिया है कि जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि समाज के लिए जिस तरह से गुरुजी ने काम किए हैं, इस तरह से अगर देखा जाए तो जो सज़ा है समाज को मिल रही है, ना कि संत को मिल रही है। आप लोग भी बताइए, सवाल आपके लिए आपकी क्या राय है, जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम, और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।